सो हे गाइस, आपका फिर से स्वागत है एक नए व्लॉग में। और सामने ये देख रहे हो गाड़ी तुम, ये है फॉक्सवैगन टाइगन जीटी मैट एडिशन डीएसजी, जीटी प्लस है ये। सो भाई ये टॉप वेरिएंट है और सारा कुछ इसमें वही आपका जो जीटी लाइन में आता था वही रहेगा, बट जो इसका मैट कलर है ना भाई, ये सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे हेडलाइट्स देख लो, यहाँ पे हमें DRL भी मिल जाती है, प्रोजेक्टर आपको यहाँ पे लाइट्स मिल जाएंगी जो कि LED में काफ़ी ब्राइट। यहाँ पे फॉक्सवैगन का लोगो आपको मिल जाएगा देखने को, जैसे कि किया सेल्टोस की एक्स लाइन आती है ना भाई मैट एडिशन में, बस बिल्कुल वैसे ही फॉक्सवैगन ने भी निकाल दिया है कॉम्पिटिशन में। और देख लो काफ़ी बढ़िया यार, काफ़ी मज़ेदार लगती है दिखने में, कुछ हटके लगता है देखने को भी। एलॉय के साइज़ की बात करोगे तो 17 इंच का यहाँ पे आपका एलॉय रहने वाला है, जो कि गाड़ी की प्रोफाइल को काफ़ी ज़्यादा मैच कर रहा है। और यहाँ पर GT की बैजिंग आप चेक कर लो, और ये है इसका ऑटो फोल्डेबल फंक्शन के साथ आपको मिलने वाला ORVM। इसके अंदर थोड़ी एसेसरीज वगैरह लगी हुई है तो वहाँ पर आपको देख सकते हो पॉज करके। इसमें आपको पैनोरामिक सनरूफ आपको नहीं मिलेगा, इसमें आपको छोटे वाला सनरूफ मिलता है, बट सनरूफ कोई एक बड़ी बहुत ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं है। पोल्यूशन सुन है सबने, चाहे जहाँ मर्जी रह रहे हो आप, पोल्यूशन अब बढ़ता जा रहा है, तो यहाँ पर आपको शार्क फिन एंटीना देखने को मिल जाता है। और ब्लैक पियानो फिनिश भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा यूज़ की गई है, डिफोगर वाइपर वॉशर सब आपको मिल जाएगा क्योंकि टॉप एंड वेरिएंट है। और ये आपकी जो इसकी में टेल लाइट है पूरी जुड़ी हुई है बीच में, जिसको नहीं पता उनके लिए, वैसे तो मोस्टली सभी को पता है इस गाड़ी के बारे में। 4 रिवर्स पार्किंग सेंसर आपको इसके अंदर मिल जाते हैं, रिवर्स पार्किंग कैमरा मिल जाएगा, और ये क्रोम फिनिश भी यहाँ पर इसके ऊपर काफ़ी बढ़िया लग रही है। और जो इन्होंने यार इसके ऊपर थोड़ी बहुत ये ब्लैक पियानो फिनिश दी है ना, ये काफ़ी बढ़िया लग रही है भाई, ये सबसे बेस्ट लग रही है इस कलर के ऊपर। वहाँ पर मैं बूट खोल नहीं पा रहा था तो इसमें एक बार यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ कि आपको थोड़ा अंदाज़ा हो जाए कि डिक्की में कितना स्पेस है भाई इसकी। तो ये है 385 लीटर की यहाँ पे आपको बूट स्पेस मिल जाएगी, कैपेसिटी आप चेक कर लो, अंदाज़ा आपको लग ही जाएगा, अच्छा खासा स्पेस आपको मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और ये कलर भी काफ़ी बढ़िया लगता है भाई, नेवी ब्लू। सो अभी इस गाड़ी के बारे में बात कर लेते हैं सबसे पहले, तो सबसे पहले आपको मैं एक बार यहाँ पर बैठ के इसका स्पेस दिखाता हूँ, पीछे पीछे का कम्फर्ट कैसा है। सो डोर खोल लिया, यहाँ पे हमें पावर विंडोज कंट्रोल मिल जाएंगे, ब्लाइंड्स वगैरह आपको यहाँ पर नहीं मिलेगी जैसे क्रेटा में मिलती है, बट लेदर वगैरह यहाँ पे यूज़ किया गया आम रखने के लिए, थोड़े कंफर्टेबल रहेगा। 20 लाख में क्या लेदर नहीं देंगे, तो देंगे भाई 5'11" की यहाँ पे हाइट, और अच्छी खासी आपको स्पेस मिल जाएगी। कम्फर्ट काफ़ी ज़्यादा बढ़िया आपको मिलने वाला है, पीछे रियर AC वेंट्स आपको मिल जाएंगे, चार्जिंग के यहाँ पे पॉइंट्स दिए गए हैं, और थाई स्पोर्ट भी काफ़ी बढ़िया है। और यहाँ से आप इंटीरियर की थोड़ी आइडिया देख सकते हो, ग्रैब हैंडल आपको मिल जाएगा विद हुक, दोनों तरफ आप ब्लेजर वगैरह टांग सकते हो, और यहाँ पर हमें LED लाइट्स मिल जाती हैं। सो बीच में हमें यहाँ पर आर्मरेस्ट देखने को मिल जाएगा विद 2 कप होल्डर्स, तो कुछ पीने वाने के लिए यहाँ रख सकते हो, कुछ भी रख सकते हो पीने के लिए। और यहाँ पर आपको 3 हेडरेस्ट मिल जाएंगे जो कि बढ़िया है, और कुशनिंग काफ़ी ज़्यादा अच्छी है भाई सीट्स की, कम्फर्टेबल, आप थकोगे नहीं, बस यही तो चाहिए हमें, थकना ही नहीं है, थकते तो हम वैसे भी नहीं है। सो यहाँ पर आप ये देखो, यहाँ पे हमें डोर हैंडल भी आपके पूरे ब्लैक पियानो फिनिश में मिलेंगे, थोड़े क्रोम भी यूज़ किया गया, काफ़ी बढ़िया लगता है, और काफ़ी बढ़िया डार्क क्रोम है यार, बहुत मज़ेदार। यहाँ पे हमें रिक्वेस्ट सेंसर देखने को मिल जाएगा पैसिव एंट्री के लिए, यहाँ पे ड्राइवर साइड का डोर खोलो तो पावर विंडोज कंट्रोल आपको मिल जाएंगे, ORVMs को आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हो, और डोर को यहाँ पर आप लॉक एंड अनलॉक कर सकते हो सारे। एंड इंटीरियर आप यहाँ पर चेक कर लो भाई, कितना बढ़िया ज़बरदस्त इंटीरियर है, बेज एंड ब्लैक कलर का कॉम्बिनेशन काफ़ी बढ़िया लगता है। और यहाँ से आप अपनी सीट्स को एडजस्ट कर सकते हो, ऊपर नीचे हाइट वगैरह सब एडजस्ट कर सकते हो, बट ये मैनुअली है, इस प्राइस रेंज के हिसाब से इन्हें ऑटोमेटिक दे देना चाहिए था। और यहाँ पर हमें लाइट्स के कंट्रोल मिल जाएंगे सारे गोल गोल घूमने वाले, और ये है आपका 3-स्पोक का स्टीयरिंग व्हील जो कि काफ़ी बढ़िया है होल्ड करने में, बट आप यहाँ पर देखो इसका लोगो कितना बढ़िया लगता है, और काफ़ी बढ़िया यार फील जो इसकी गाड़ी की आती है ना यार, वो तो आपको क्रेटा में नहीं मिलेगी, मैं सच में कह रहा हूँ नहीं मिलेगी, जो इसकी फील है वो कोई मैच नहीं कर सकता जहाँ तक भाई मैंने देखा है, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कहीं तुम बोलो। यहाँ पे बड़ी सी हमें टच स्क्रीन मिल जाएगी 10.25 इंचेस की, और डैशबोर्ड में आपको 3 अलग अलग टेक्सचर टाइप की यहाँ पर यूज़ की गई है। सो यहाँ पर आपका जो ये क्या कहते हैं इसको ग्लव बॉक्स है, इसमें भी आपको कूल फंक्शन मिल जाएगा, यहाँ पे सनग्लास होल्डर नहीं मिलता, वो मेरे को मिसिंग लगता है, वो दे देना चाहिए, किया और हुंडई हमेशा देते हैं भाई हर गाड़ियों में, वो जो कि काफ़ी बढ़िया बात है। यहाँ पे हमें वैनिटी मिरर मिल जाएगा को पैसेंजर साइड पे, और ये जो छेद दिख रहे हो आप सीट पे, जी हाँ ये है आपकी वेंटिलेटेड सीट्स, हमें यहाँ पे इसमें मिल जाता है भाई वेंटिलेटेड सीट्स का ऑप्शन। एंड जैसे कि आप ये देख रहे हो आपको DSG गियरबॉक्स वाला है, और यहाँ पे टच वाले आपको यहाँ पर ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल AC मिल जाएगा, जो कि आप पूरा यहाँ से आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हो। आपका जो आर्म रेस्ट है ये भी स्लाइड होता है, और यहाँ पे कप होल्डर आपको दिए गए हैं बीच में, ये देखो स्लाइड होता है काफ़ी बढ़िया तरीके से होता है। और जो आपका हैंड ब्रेक है ये मैनुअल है, ये भी इनको दे देना चाहिए था यार ऑटोमेटिक,
ऑटो होल्ड फंक्शन के साथ, बट आपका स्टेयरिंग जो है वो रीच और टेलीस्कोपिक, मतलब दोनों आपको मिल जाएगा, टिल्ट और टेलीस्कोपिक दोनों। जो आपका आईआर व्यू रहेगा ये आपका मैनुअल नहीं है, ये ऑटोमेटिक है, जो कि अच्छी बात है, इस प्राइस में तो होएगा ही। सो ये है भाई हमारी टाइगन का GT प्लस वेरियंट। मेन तो इसमें कलर दिखाने वाला था, क्योंकि ये कलर काफ़ी ज़्यादा हटके है, काफ़ी बढ़िया है, जो मैट मतलब बाहर से करवाते हैं उनको कराने की ज़रूरत है नहीं। सो भाई ये गाड़ी है दमदार, आप एक बार ट्राई करना, अगर आप लेने की सोच रहे हो तो मेरे को ज़रूर बता देना भाई। अब सवाल ये उठता है कि हुंडई और किया के ऊपर जाएं या फिर इसके ऊपर जाएं। देखो भाई थोड़ा बहुत यार कंपनी में ऊपर नीचे होता है मेंटेनेंस का, एंड वो देखो सबकी एक पर्सनल प्रेफरेंस होती है भाई, कि किसी को मतलब लगता है कि हाँ भाई बहुत ज़्यादा इसका कॉस्ट रहेगा, तो वो भाई अपने हिसाब से देख लेना। बाकी इसकी फील काफ़ी ज़्यादा आपको अलग मिलने वाली है क्रेटा वगैरह से। बाकी दोनों गाड़ी बढ़िया है भाई। आप मेरे को कमेंट में ज़रूर बताना आपको वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना।